इधर से क्यों आ रहे हो बाबू, इधर से क्यों आ रहे हो? अरे रुका ट्रेन, कितने देर से रुका है? ये हमको नहीं मालूम, एक घंटे से रुका है। एक घंटे से रुका है? नंदू के घर तक लाइन लगा हुआ है। नंदू के घर कौन हुए? अरे यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पे जेपी गुप्ता जो चेयरमैन साहब है उनके घर तक लाइन लगा है। बाजार में स्थित रेलवे क्रॉसिंग 147 बी क्षेत्र के लिए अभिशाप बन गया है। आए दिन यहाँ पर जाम लगा रहता है और जाम का सबसे बड़ा कारण है यहाँ का रेलवे ढाला, जो कि हर 2 से 3 मिनट पर बंद कर दिया जाता है और जनता परेशान होकर के मूक दर्शक बनी रहती है। रेलवे के लोग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, कहीं पब्लिक अगर उग्र हो गई तो उन्हीं के गेटमैन को ही अगर कुछ नुकसान पहुंचेगा तो इसका जिम्मेदार रेलवे प्रशासन होगा। अरे बात क्या, रिप्लाई मिल रहा है तो आप काम के लायक नहीं है। सबसे बढ़िया है आप ड्यूटी छोड़ दो, यहाँ पर कोई जब चोरी चोरा के अधीक्षक स्वयं स्टेशन मास्टर से बात किए, फिर भी कोई हल नहीं निकल पाया और वो बोले कि अभी टाइम लगेगा रेलवे ढाला खुलने में। हेलो, अधीक्षक से चोरी चोरा बोल रहे हैं, कह रहे हैं ये गाड़ी एक घंटा से यहाँ खड़ी है, कितनी अभी एम्बुलेंस है? जी जी नहीं तो ये जो मालगाड़ी इसको कहीं अगल बगल करिए, ढाला थोड़ा खुलाइए, है कितना सीरियस की है, कहाँ पर हुआ ट्रक? अच्छा तो यही दिक्कत है, थोड़ा सा देखिए हो जाए जल्दी कराइए। पब्लिक आजीज हो करके बार बार स्टेशन मास्टर को गेटमैन से कह करके फोन लगवा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेशन मास्टर चाबी नहीं दे रहे थे, इसलिए गेटमैन ढाले को खोल नहीं पा रहा था। भैया कि कब से 2 घंटे से आपकी गाड़ी आती है क्या? 2 घंटे से गाड़ी आ रही है? और कौन सी भाई साहब, 3 बजे से आपने, 3 बजे से आपने गाड़ी बंद करवाया, गेट बंद करवाया हुआ है? 1554 अरे भैया, 1554 हम भी दिख रहे हैं, हम लोग आप अपना डाटा मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है? डाटा मेंटेन नहीं कर रहे हैं। सुनिए, आप गेट कब से बंद किए हैं? गाड़ी आने से 15-20 मिनट पहले आपने गेट बंद किया था। ये देखिए 5021 से हमारा गेट बंद है। 5021 से? हाँ 5021। क्या बोल रहे थे? साली बार 1554 हम शुरू से कह रहे हैं सर, ठीक है? गेट आपने कितने बार बंद किया था? लिख रहे हैं, गाड़ी हम लिख रहे हैं ना, ये जो है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस रेलवे क्रॉसिंग का कोई विकल्प, कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। इतनी बार नेताओं ने जा करके लोगों से मिला, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है और बड़े बड़े नेता चौरी चौरा में मौजूद हैं।